तो पावर बीआई में हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी, और मेरे पास एक्सेल सीट में जो डेटा है ना, तीन सीटों पे डेटा है। एक बार सर इसकी वो दे देना परमिशन। जी हाँ, तीन सीटों पे हमारे पास डेटा है और तीन अलग अलग डेटा है हमारा। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हमें जो है जो रिपोर्ट बनानी है इन तीनों को कंबाइन करके बनाना है। तो हमें दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि हम पिवर इसमें पावर बीआई में ले जाने से पहले एक नई शीट में इसको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर दें, या दूसरा है कि हम पावर बीआई में कुछ ऐसा तरीका अपनाएं ताकि एक के नीचे एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। सो मेरे पास तीन डेटा जो आया और तीन अलग अलग शीट में स्प्लिट डेटा है। तीनों का हेडिंग आप देख रहे हैं सेम है, मतलब तीन अलग जगह से डेटा आया है। सेम डेटा तीन अलग अलग जगह से आया है, या तीन अलग अलग चीज का डेटा है, लेकिन सब चीज सेम है। तीन प्रोडक्ट मान लीजिए, तीन प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट की सेल है यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि इकट्ठा हम कंबाइन रिपोर्ट यहाँ तैयार करें, समझे? ओके सर। तो चलिए पावर बीआई पे शुरू करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहां डेटा पहले सिलेक्ट करते हैं। यहां पे डेटा को सिलेक्ट किए, देन ओपन, और यहां हमने D1। अब मुझे तीनों चाहिए ना सर, तो yes, sir. यहाँ D1, D2, D3 तीनों को सेलेक्ट किया। अब तीनों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट लोड कर दूंगा ना, तो तीनों का रिपोर्ट सही नहीं आएगा सर, क्योंकि तीनों अलग अलग जगह पे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। यस सर। सो मैं इसको सीधे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये पावर क्यूरी एडिटर पे चला जाएगा। ओके सर। पावर क्यूरी एडिटर, राइट? राइट सर। और यहाँ पे जब आ जाएगा तो मुझे यहाँ तीनों को मर्ज करना है। तो यहाँ देखिए, एक होता है मर्ज क्यूरी, एक होता है अपेंड क्यूरी। तो यहाँ पे मर्ज क्यूरी नहीं चलेगा। क्यों? मर्ज क्यूरी जैसे मान लीजिए ना कि आपने सेल किया, आपका सेल का सेल्स डेटा एक पे है और एक पे आपका डिस्पैच डेटा है, तीसरे पे रिटर्न डेटा है। तो आपको डेटा चाहिए कि भाई कितना सेल हुआ, कितना डिस्पैच हुआ और कितना रिटर्न हुआ। Right. तो वी लुकअप टाइप कि भाई आईडी नंबर से यहाँ से डिस्पैच डिटेल उठा ले और आईडी नंबर से वापस रिटर्न से रिटर्न डेटा उठा ले। बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो मुझे एक के नीचे करना है। सो यहाँ पे अपेंड क्यूरी, अगर मैं अपेंड पे क्लिक करूँगा तो D1 के नीचे ही अपेंड कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ एक अलग करना है, अपेंड एज ए न्यू। दिख रहा है आपको? अपेंड क्यूरी एज ए न्यू, न्यू इस पर क्लिक किया। अब मुझे दो से ज़्यादा टेबल ऐड करने हैं, तो आप अपने सीक्वेंस के डेटा वन ऊपर है, सॉरी यहाँ पे एक बार दो बार आ गया, डेटा वन, फिर डेटा टू एंड हमारा डेटा थ्री, राइट? देन ओके करें। ओके करते हैं, तीनों डेटा यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, तीनों डेटा यहाँ मर्ज होंगे। अपेंड के जगह पे नाम कुछ और देना है तो इसको रिनेम करके मैं यहाँ पे, ये सर ये जो डेटा अपलोड हुआ है वो वर्टिकली हुआ है हॉरिजॉन्टल? एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक के नीचे हुआ है, ठीक है ठीक है। एक के नीचे कॉपी पेस्ट इसने कर दिया, ठीक है सर। बट आप जैसे बता रहे थे, आपने बोला था कि इसमें डेटा का वो हमारे थ्री टाइप का डेटा, एक तो हमारा डिस्पैच है, एक हमारा अलग चीज है, उसके लिए हम यूज करेंगे ये आपका मर्ज क्यूरी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, रिलेशनशिप के अंदर आता है, ठीक है। इसमें जो डेटा हमारा मर्ज होगा वो हेडर सेम होने चाहिए। हाँ, हेडर सेम होने चाहिए। अब D1 D2 D2 आ गया तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आता है रिनेम, डिलीट फ्रॉम मॉडल, अच्छा ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये डेटा के साथ में आया हुआ, माफ कीजिएगा। अब यहाँ देखिए लो डेटा टेबल पे ये तीनों डेटा यहाँ पे मर्ज, एक डेटा वन आपका आ रहा है,
ये आपका डेटा टू आ रहा है, ये आपका डेटा थ्री आ रहा है, आ रहा है ना सर? Yes, sir. यहाँ आपका डेटा फोर आ रहा है, मर्ज हो कंपाइल डेटा आ रहा है हमारा, दिख रहा है? बड़ा ज़्यादा है ना सर, तीनों डेटा। yes, अब इस भी इजीली से यहाँ पे आप जाएं, डेटा वन से उठा जाएं और यहाँ से आप अपना नेम के हिसाब से मंथ वाइज टोटल निकाल लो डेटा अपना, ठीक है? आ गया सर? Yes, sir. इस तरह से हम तीनों का ले सकते हैं, राइट? राइट, डाउट इसमें? नो, क्लियर है सर? यस सर। अब ये तो चलो अलग अलग सीट पे था, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी एक्सेल फाइल को ओपन करता हूँ, तीनों डेटा को एक फोल्डर में डाल देता हूँ, तीनों डेटा को मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन डेटा, और मैं इसको एक फोल्डर बनाता हूँ ई ड्राइव में ही 2021 के अंदर, डेटा फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, ठीक है? छः फोल्डर है, अब छः में डेटा है, डेटा सेम है, अब मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना। तो यहाँ तो एक फाइल में था तो मैंने इंक्लूड कर लिया क्या, अब यहाँ फाइल में नहीं पूरी की पूरी फोल्डर में, तो कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, आपको फ्रॉम डेटा में जाना है यहाँ पे, और फाइल एंड जाना है फाइल फोल्डर एंड कनेक्ट, ब्राउज करना है और अपने लोकेशन पे जाना है जो आपका लोकेशन है, ठीक है? देन ओके, देन ओके। तो यहाँ इस फाइल के अंदर जितने भी इस फोल्डर की जितनी फाइल है ना, यहाँ आ गया। अगर मैं लोड पे क्लिक कर दूंगा ना, जो डेटा दिख रहा है ना, यही आ जाएगा, मतलब ये फाइल डिटेल, एक सिक्स टेबल आ जाएंगे आपको। जी नहीं नहीं, सिक्स टेबल नहीं सर, एक ही टेबल आएगा, ये जो डेटा दिख रहा है ना ये आएगा, कि फाइल नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, डेटा स्टोर क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ बगल में कंबाइन दिख रहा है आपको, कंबाइन में क्लिक करेंगे ना, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब कि पावर बी आई पे ले जाना है या कंबाइन एंड लोड में डायरेक्ट लोड करना है, आपने किससे किया ये? कंबाइन एंड लोड, यहाँ पे फाइल लिस्ट है, कोई एक फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, अब हर फाइल की उसी सीट को इसने लोड कर देना है, ओके? सर आप ये कह रहे हैं कि जो हमने फाइल सेलेक्ट की फर्स्ट वाली, उसकी फर्स्ट सीट सेलेक्ट की, तो ऑल डेटा जो हमारी अदर फाइल का डेटा था, वो उसी पे आ जाएगा, राइट? जी हाँ, देखिए डेटा टू के नाम से आ गया यहाँ पे, देखिए फाइल वन, वो भी बना के देगा मुझे ये, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, फाइल का नेम भी देगा आपको, ये एक बेटर ऑप्शन है, फोर्स नेम में देगा आपको ये। जी ओके, ठीक है, डन। तो इसका यूज कीजिए आप लोग, ठीक है? ये मेरे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसमें कई सारे तरह के डेटा, कई मैंने कि अभी तो तीन सीट हुआ है, आप तीन चार मैं 10-20 सीट को ऐड करके देखिए, फोल्डर में डालिए, इसको दो चार बार ट्राई करके अब अपने एंड पे